दोस्तों आज जब लखनऊ की पारी के दौरान दीपक हुड्डा रन आउट हुए तो उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे कृणाल पांड्या उन पर भड़क गए। दरअसल 14वें ओवर में जब अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आए तो उसकी तीसरी गेंद को पुल शॉट मारकर कृणाल पांड्या ने दो रन लेने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान दीपक हुड्डा बड़ी धीमी गति से भागे जिसके चलते बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे बेस्टो ने मौका देखते हुए जबरदस्त थ्रो की। बेस्टो का निशाना इतना पक्का था कि गेंद सीधा नॉन स्ट्राइकर एंड पर जा लगी और दीपक हुड्डा को वहीं से पवेलियन लौटना पड़ा। वहीं दूसरी ओर कृणाल पांड्या को जब इस बात का पता चला तो वो हुड्डा की इस गलती पर भड़क उठे और डिसअपॉइंटेड दिखे। दोस्तों इस रन आउट में किसकी गलती थी, अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं।